टू गो फॉर इट। लोग एनालाइज कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, बस वो एक ड्राइव नहीं आती कर लूं। यानी वो एक स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो जाएंगे, जस्ट उनको एक डाइव लगानी नहीं आती, उनको धक्का देना पड़ता है। एवरीबॉडी ऑफ अस जब स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा होता है ना, वो एक डाइव लगाने से पहले सोचता है। वो इतना ऑटो नहीं हुआ होता क्योंकि वो चैलेंज नहीं है, पहले कर चुका है। लेकिन एवरी टाइम जब भी वो पूल में कूदता है, पानी हमेशा ठंडा होता है, हमेशा लगता है। यानी वो एक ड्राइव अगर लाइफ के अंदर नहीं है इनिशिएटिव्स लेने की, एक नाकाम आदमी और कामयाब आदमी में फर्क यही है कि वो सारा एनालिसिस करने के बाद, बिजनेस प्लान्स बनाने के बाद, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के बाद, सारी कोऑर्डिनेशन करने के बाद, उसको आखिरी मेल नहीं करता, यानी वो रिपोर्ट नहीं करता। सब कुछ बना हुआ होगा, रिपोर्ट रेडी होगी, जब तक वो कॉल नहीं आएगी ना भाई कहाँ है, जब तक वो सबमिट नहीं होती, वो इनिशिएटिव है। गोइंग फॉर इट वाला जो एटीट्यूड है ना, वो नहीं होगा, इनिशिएटिव ही कमजोरी है, इरादे में पुख्तगी नहीं है। एंड तक पाए, तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया। कामयाब लोग जो होते हैं वो आखिरी लम्हे तक पुश करते हैं उसको पाए, तकमील तक पहुंचा के आते हैं।